आज जिस तरीके से उनके एक विधायक ने बोला कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, अरे भैया तुम कौन हो, ना तुम 3 में हो ना 13 में हो, तुम ना 3 में हो ना 13 में हो, तुम हमारे पार्टी का सदस्य नहीं हो, मेंबर नहीं हो, उसके बाद हमसे इस्तीफा मांग रहे हो, तुम हमारा हो कौन? तुम जिस पार्टी के हो उस पार्टी में बात करो कि पहले 325 सीट था, अभी आप पे 200 कुछ सीट है, तो वहां पे आपको सीट कम हुआ तो अपने पार्टी में डिसीजन लो कि आपके कम सीट क्यों है, उसके लिए जवाबदेही कौन तय करेगा, उनसे इस्तीफा मांगो। आपने पंजाब में चुनाव लड़ा, पंजाब में आप सुपड़ा साफ हो गया, वहां पे डिसीजन लो कि वहां आपके पार्टी के कौन लोग मजबूत हैं और आपकी पार्टी में काम अच्छा नहीं किया, पंजाब चुनाव हार गए, वहां पे इस्तीफा लो। भला हमारे पार्टी में क्यों इस्तीफा ले रहे हो? हम तो उत्तर प्रदेश में हमारे पास 2017 में एक भी वोट नहीं था, अभी 2022 के चुनाव में हमारे पास लाखों वोट आया, तो ये हमारी उपलब्धि है। चुनाव नहीं जीते वो बात की बात है, लेकिन हमारी उपलब्धि है और मजबूती से हम आगे बढ़ेंगे। बीजेपी क्या करना है वो बीजेपी को करने दीजिए, आप और हम लोग डिसाइड नहीं कीजिए। हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं, कि इनको क्या करना है वो हम कैसे बता सकते, हमें क्या करना है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं मजबूती से लड़ाई लड़ूंगा। वो बीजेपी को क्या करना है, बीजेपी को क्या बोलना है, वो उनको उनसे पूछ लीजिए। संजय जायसवाल का कहना है कि बीजेपी आपको धोखा, आप एनडीए में रह के मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं अपना काम कर रहा हूँ, किसी के मर्यादा को मैं उल्लंघन नहीं करता हूँ। आप देखे होंगे कि किस तरीके से लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, एक पिछड़ा का बेटा के होने के नाते किस तरीके से लोग परेशान कर रहे हैं। क्या मेरा अधिकार नहीं है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का? आज देखिए जेडीयू भी तो वहाँ पे चुनाव लड़े, लेकिन क्यों मैं एनडीए में रहकर जेडीयू क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़े? अगर दम है तो जेडीयू के बारे में भी बोल के दिखाए। लेकिन आज मैं कहीं ना कहीं निषाद कमल्ला का बेटा हूँ, कमजोर है, इसलिए हमारे ऊपर इतना बोल रहे हैं, तो बोलने दीजिए, हम सुन रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अगर उसमें हैसियत है, दम है उन लोगों नेता में, तो नीतीश कुमार जी के बारे में भी बोल के दिखा दे। और जब 2020 का समय आया तो हम जिस तरीके से हमने गठबंधन तोड़ा, उसके बाद अकेले लड़ने का निर्णय लिया, तो हमारे पास सामने से चल के लोग आए कि आप हमसे गठबंधन कीजिए और मजबूती से आप समाज को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। और हमने ने किसी को इन्विटेशन नहीं भेजा था कि हम आपके गठबंधन में ना आना चाहते, लोगों ने हमें हमारे ताकत को देखकर हमें बुलाएं, तो इसलिए आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। वोट तो कम ज़्यादा होता ही है, चुनाव में दो ही परिणाम आता, हार या जीत, लेकिन हार से हम लोग घबराने वाले लोग नहीं हैं, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। मछुआरा का बेटा है, मजबूती से आगे बढ़ेंगे और जिंदगी में हार जीत लगा रहता है। और एक बार हारेंगे, दो बार हारेंगे, तीसरी बार जीतेंगे, जिस तरीके से बिहार में हमने 2 बार हारा लेकिन तीसरी बार तो हारे और जीते। और हमारी लड़ाई तो इतनी शानदार होता है कि हम हारने के बाद भी बिहार में देखिए मंत्री बन गए, क्योंकि हमने इतने बड़े प्लेटफॉर्म बनाया है कि हमारे हारने के बाद भी हम मंत्री बने, हमारे वजह से सरकार है, तो ये जिंदगी में लगा रहता। आपने देखा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सीट के कारण केंद्र में सरकार गिर गया, लेकिन आज देश में सरकार उनके हैं। एक समय उनके 2 भी सांसद होते थे, आज कितना है। तो जिंदगी में हार जीत होता है। कभी इंदिरा गांधी के बारे में आप सुने होंगे, 440 सीट के साथ देश में सरकार चलाती थी, आज उनका पार्टी का क्या हाल है। तो ये देश में परिवर्तन होते रहता है। जो कांटा घड़ी का 12 पे है उसको 6 पे आना है, और जो 6 पे है उसको 12 पे जाना तय है। सिर्फ उसके लिए आपको मजबूती से लड़ाई लड़ें, नेतृत्व में चुनाव लड़े। और आपने देखा होगा कि 125 सीट पे बहुमत पे हम लोगों ने सरकार बनाया, और बिहार में जब सरकार बनता तो 122 पे सरकार बनता, और हमारे पास 4 विधायक था, अगर 4 निकाल दीजिए तो 121 होता, और 121 में सरकार नहीं बनता। तो हमारे सहयोग से एक मल्ला के बेटा के लेटर पैड पे समर्थन देने से बिहार में सरकार बना। आज कोई माने ना माने वो बात अलग है, लेकिन चुनाव आयोग के वेबसाइट पे जाइएगा, जब सरकार बना तो वीआईपी पार्टी के सहयोग से बना। आज कुछ लोग परेशान कर रहे हैं, उनके पास बड़ी ताकत है, वो कुछ भी कर सकता है। आज वो देश में विधायक खरीद लेता है तो कल हमारे साथ क्या करेंगे नहीं करेंगे उसका मुझे परवाह नहीं है, लेकिन ये बात सत्य है कि मेरे सहयोग से सरकार बना और आज भी मेरे सहयोग से सरकार है। और मजबूती से हम अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। जिनको जो बोलना, जितना परेशान करना, जितना गाली देना वो दे, उसमें अगर उसको खुश रहना तो वो रहे। और मैं अपने तरीके से काम करने वाला हूं। मैं उनसे आग्रह भी करूंगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, अगर आप में बहुत ज़्यादा बोलने का क्षमता है, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बारे में बोल के दिखा दीजिए, क्योंकि वो भी आपके एनडीए गठबंधन में रह के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े। लेकिन आप उनको नहीं बोलिएगा, क्योंकि आपको पता है कि आप सरकार से बाहर निकल जाइएगा। लेकिन मुकेश सहनी को कमजोर समझ के आप जितना बोलना है बोल दीजिए, मुझे उसका परवाह नहीं है। देखिए, अभी तो पहले अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अपने संगठन पार्टी को मजबूत करना है,
और अभी समय है, 2 साल का समय है, चुनाव होने का 2024 का चुनाव में 2 साल समय है और उस समय में डिसीजन लिया जाएगा कि किनके साथ राजनीति करना है। फिलहाल तो अभी अपने संगठन को, पार्टी को मजबूत करना है। हमारी सरकार 5 साल चलने वाले है और हम लोग काम करने वाले हैं। हमारे अधिकार क्षेत्र में जब भी आएंगे लोग तो हम अपने अधिकार क्षेत्र में किसी को आने नहीं देंगे और उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। और रहा कि आने वाले समय में मजबूती से बिहार में सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। देखिए राजनीति है, राजनीति में कब क्या होगा वो अब कैसे पता चल जाएगा आज की आज, लेकिन ये तो क्लियर है कि हमारे और मांझी जी के दम पे सरकार चल रही है। इसके लिए भी हमारे अभी मंथन चल रहा है, बहुत शीघ्र ही पार्टी के जो टॉप लीडरशिप जिनके हाथ में कमान दिया जाएगा इसके लिए भी हफ्ते 10 दिन के बाद इसके ऊपर हम ऐलान करेंगे।